तो चलिए दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं किडवन के बारे में। किडवन के बारे में आज हम आपको फुल डिटेल्स में बताने वाले हैं, इसके टाइप्स और इसकी विशेषताएं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो करते हैं स्टार्ट। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को हिट भी कर लेना, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों, ये आपका 10th 11th और BSc 3rd ईयर बॉटनी पेपर फर्स्ट में ये टॉपिक दिया गया है, और आपका MSc में भी ये टॉपिक है, तो आप इसे नोट डाउन जरूर कर लेना। मोस्ट IMP क्वेश्चन है ये, आपके हर साल शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, देखते हैं किडवन फर्मेंटेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे दोस्तों, किडवन होता क्या है। तो किडवन दोस्तों, ये किडवन जो क्रिया होती है हमारी, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। सबसे पहले तो यही होता है, ठीक है। तो जैव रासायनिक क्रिया है किडवन, अनऑक्सीडेशन से मिलती जुलती प्रक्रिया है, जिसमें विभिन्न कार्बनिक पदार्थों का सूक्ष्म जीवों की सहायता से विघटन होता है, मतलब ये टूट जाते हैं और सरल यौगिक बनते हैं, जिनसे क्या होता, जिसे हम क्या कहते हैं, किडवन फर्मेंटेशन कहलाता है। तो आप इतना समझ ही गए होंगे कि ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, जो सूक्ष्म जीव हमारे होते हैं इनकी सख्तता से इनको तोड़ देते हैं और ये सरल यौगिक बनाते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इस क्रिया में ऑक्सीजन O2 की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। किडवन के प्रयोग से क्या क्या बनता है, एल्कोहल और शराब का निर्माण होता है। अब इसकी हम विशेषताएं देख लेते हैं कुछ। इसमें क्रियादार कोशिका से बाहर होते हैं, जैसे कि, और यह क्रिया द्रव माध्यम में होती है, मतलब द्रव माध्यम क्या समझे आप, लिक्विड फॉर्म, जैसे कि आपका हो गया पानी वगैरह। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ईस्ट कोशिकाओं द्वारा शर्करा का एल्कोहलिक किडवन, जो कि हम अभी रिएक्शन द्वारा समझेंगे। इसमें शर्करा से एल्कोहल व कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं और ऊर्जा उत्पन्न होती है, जैसे कि यहाँ पर शुगर है, ठीक है, C6H12O6, यहाँ पर ग्लूकोज है और यहाँ पर 2C2HOOH क्या है, हमारा एथिल एल्कोहल है। ठीक है, शर्करा से क्या बन रहा है, एल्कोहल व CO2 बन रहे हैं, यहाँ पर क्या बना, शर्करा से एथिल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बने और यहाँ पर एनर्जी क्या हो गई, उत्पन्न हो गई। अब इनके टाइप देख लेते हैं, टाइप्स क्या होते हैं इसके। टाइप्स सबसे पहला है एथिल एल्कोहल। ग्लूकोज से क्या होता है, ग्लूकोज के अणु से एथिल एल्कोहल तथा CO2 के बनने की क्रिया को एथिल एल्कोहल कहते हैं। सेम यही रिएक्शन आपको यहाँ पर भी लिखनी है, ठीक है। ग्लूकोज से क्या बन रहा है, हमारा एथिल एल्कोहल बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और एनर्जी क्या हो रही है, उत्पन्न हो रही है। तो ये था हमारा एल्कोहलिक किडवन कहलाता है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर आप देख सकते हैं लैक्टिक अम्ल किडवन। लैक्टिक अम्ल किडवन कैसे होता है, तो लैक्टिक अम्ल किडवन दोस्तों, इस किडवन में शर्करा से लैक्टिक अम्ल बनता है। शर्करा से क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल बनता है और इसमें लैक्टिक अम्ल बैक्टीरिया दूध की शर्करा का किडवन करके क्या होता है, इसमें लैक्टिक अम्ल जो बैक्टीरिया होते हैं दूध की शर्करा का किडवन करके लैक्टिक अम्ल बनाते हैं, जिससे क्या होता है, दूध खट्टा हो जाता है। तो प्रथम चरण में क्या होता है कि लैक्टोज शर्करा जो होती है जल अपघटन से ग्लूकोज का निर्माण करती है, मतलब ग्लूकोज बना देती है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लैक्टोज क्या है, यहाँ पर C12H22O11, ठीक है, यहाँ पर क्या है, और H2O यहाँ पर हमारा है जल, ठीक है। यहाँ पर ग्लूकोज का यहाँ पर निर्माण हुआ, ठीक है। ग्लूकोज क्या बना रहा है, शर्करा का किडवन करके लैक्टिक अम्ल बना रहा है, जिससे क्या होता है, दूध खट्टा हो जाता है और यहाँ पर हमारा ग्लैक्टोज बना, ठीक है। दूसरे चरण में क्या होता है, हेक्सोज शुगर लैक्टिक अम्ल में विघटित करते हैं, मतलब ये विघटित करते हैं यहाँ पर, जैसे कि हेक्सोज शुगर हो गया, यहाँ पर C6H12O6 है हमारे, यहाँ पर इसे हम ग्लूकोज भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, लैक्टिक एसिड में विघटित हो गया ये, तो क्या हो गया, लैक्टिक अम्ल में ये विघटित हो जाता है, हेक्सो शर्करा, ठीक है। अब हमारा है ब्यूटेरिक किडवन। ब्यूटेरिक किडवन क्या होता है, यह किडवन बैसिलस ब्यूटेरिकस नामक जीवाणु द्वारा होता है। क्या होता है, यह किडवन हमारा बैसिलस ब्यूटेरिकस जीवाणु नामक जीवाणु द्वारा होता है। ये जीवाणु शर्करा लैक्टिक अम्ल का किडवन करके इन्हें ब्यूटेरिक अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ये लैक्टिक अम्ल का किडवन करके ये ब्यूटेरिक अम्ल में इन्हें परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं रिएक्शन में C6H12O6, यहाँ पर हमारा क्या है, हेक्सोज शुगर है और यहाँ पर ब्यूटेरिक एसिड में इन्हें क्या कर दिया,
परिवर्तित कर दिया और यहाँ पर ये एच टू बाहर आ गया और सी ओ टू यहाँ पर बन गया, ठीक है। अब क्रियाधार में क्या होगा, टू सी थ्री एच सिक्स ओ थ्री में क्या हो गया हमारा, यहाँ पर लैक्टिक अम्ल है ये, ठीक है। तो यहाँ पर इसका फर्मेंटेशन हो जाएगा, ठीक है, सी सिक्स ओ एट ओ टू, और यहाँ पर वही के वही रिएक्शन रहेगा, ठीक है। यहाँ पर ये पूरा रिएक्शन ऐसे का आपको लिखना है, सिर्फ यहाँ पर लैक्टिक अम्ल आपको रखना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या रखना है, शुगर रखना है। तो ये था हमारा ब्यूटरिक अम्ल का किण्वन। अब देख लेते हैं हम एसिटिक अम्ल किण्वन। एसिटिक अम्ल किण्वन कैसे होता है, अन्य किण्वन के विपरीत इनमें वायुमंडल ओ टू का उपयोग किया जाता है। मतलब अन्य किण्वन के माने तो यहाँ पर क्या हो जाता है, वायुमंडल की सी ओ टू मतलब सॉरी ओ टू का उपयोग किया जाता है, मतलब ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। एसिटोबैक्टर एसिटाइल जीवाणु ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करते हैं, एसिटर जो बैक्टर एसिटाइल जीवाणु होते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में एथिल एल्कोहल ऑक्सीकरण करके एसिटिक अम्ल बनाते हैं। ये क्या करते हैं, एल्कोहल का ऑक्सीकरण करके एसिटिक अम्ल बनाते हैं। इन जीवाणु की सहायता से सिरका बनाया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे ये क्या है एसिटोबैक्टर एसिटाइल जीवाणु हैं और यहाँ पर O2 की प्रेजेंट में क्या बना रहे हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में एथिल एल्कोहल का ऑक्सीजन करके एसिटिक अम्ल बनाते हैं। ये हमारा क्या है, एसिटिक अम्ल है, जिससे H2O बाहर होता है और ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस क्रिया में ऊर्जा विमुक्त होती है, अतः इसका विशेष महत्व है। मतलब ये रिएक्शन का क्या होता है, विशेष महत्व होता है। तो दोस्तों ये थे इसके टाइप्स और आप देख लेते हैं इसके उपयोग जो होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप इसे भी नोट डाउन जरूर कर लेना, ठीक है। तो किण्वन महत्व या अनुप्रयोग, ठीक है, जो भी आता है तो आपको यही लिखना है इसमें। किण्वन का प्रयोग मदरा बनाने के कारखानों में बियर वाइन बनाने में भी किया जाता है। मदरा मतलब क्या जाता है, हमारी जो शराब होती है वो हो जाती है, ठीक है। तो बियर वाइन बनाने आदि में भी किया जाता है इसका उपयोग, ठीक है। अब नेक्स्ट है, इस तकनीक का उपयोग बेकरी तथा सिरका उद्योग में भी होता है। जो सिरका बनाते हैं और बेकरी उद्योग जैसे केक वगैरह होगा ये बनाते हैं, तो इस तकनीक का उपयोग इसमें भी किया जाता है, ठीक है। अनेक प्रकार के कार्बनिक अम्ल जैसे कि लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल आदि का निर्माण जीवाणुओं के किण्वन क्रिया द्वारा ही किया जाता है। अभी मैंने आपको रिएक्शन में बताया था, ठीक प्रकार वैसे ही किया जाता है, ठीक है, इनका किण्वन। नेक्स्ट है, दूध से संबंधित अनेक पदार्थ जैसे कि मठा, मक्खन, पनीर आदि का निर्माण भी जीवाणु के किण्वन क्रिया द्वारा ही किया जाता है। अभी आपने रिएक्शन में देख लिया था, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा, जंतुओं की खाल चमड़ा तैयार करने में भी इस किण्वन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। जूट, सन, तंबाकू, चाय, चमड़ा इत्यादि उद्योग में भी इस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर हमारा लास्ट पॉइंट है दोस्तों, अनेक जीवाणु जो किण्वन क्रिया द्वारा भोज्य पदार्थों को नष्ट कर देते हैं अथवा उनको खाने योग्य नहीं रहने देते, मतलब कुछ ऐसे भोज्य पदार्थ होते हैं जो किण्वन क्या करते हैं, किण्वन क्रिया द्वारा ये उनको नष्ट कर देते हैं, तो ये खाने योग्य नहीं रहते हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा इजी सा टॉपिक। तो आपको कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।